हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको होम साइंस प्रैक्टिकल प्रोडक्ट में टिकोजी कवर बनाना सिखाऊंगी। टिकोजी में सबसे पहले जो है मैं आपको ट्रे कवर बनाना सिखा रही हूँ। ट्रे कवर मैंने 13 इंची ले लिया है और ये जो है मैंने 18 इंची लिया। आप अपनी लंबाई चौड़ाई ट्रे के अकॉर्डिंग लेना, एक एक इंच ज़्यादा। नीचे को ट्रे में इस तरह से लटकी भी दिखाई दे, और ये मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए मैं काट रही हूँ, ये मैंने जो है काट लिया। अब काटने के बाद मैंने जो है अपना ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा अलग से कटा हुआ रखा है, ये भी मैं काम में ले ले रही हूँ। इसलिए मैंने जो है कि ये इसको गोले ऐसे टिफिन ले लिया, हमने टिफिन की सहायता से गोले ऐसे बना लिए। जितने आपके गिलास के सेट हैं उसके डबल बनेंगे, एक दोनों साइडों से एक सा ही कपड़ा लगेगा, दोनों साइडों से एक सा कपड़ा लगेगा। मैंने बड़ा लिया है क्योंकि थोड़ा सिलाई में दबेगा, इसलिए काट लिया। ये सर्किल जैसे ये सब काट के ये भी काटेंगे। उसके बाद मैं जो हूँ टिकोजी कवर के लिए इस कपड़े में मैंने इतना बड़ा ये जग के अकॉर्डिंग देख लेना कि हमारे ट्रे कवर में जग कितना है, तो इतना हमने ये मैंने मेरे को तो बहुत आइडिया है, इसलिए मैं जो अधिकांश काम जो है आइडिया से कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग नाप लेना, थोड़ा सा नाप से ना बड़ा रखना, सिलाई में भी दबेगा और उसमें भी दबेगा, कटिंग में भी। यस, होम साइंस में ये कुकिंग जब होता है प्रैक्टिकल कुकिंग का, तो इसका ये एप्रिन का और ये टिकोजी सेट का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसमें का बहुत महत्व होता है बच्चों के लिए। और ये हम अब आपको थोड़ी देर सिलाई करना सिखा रहे हैं। देखिए मैं वो बकरम काटी है, बकरम के ऊपर मैंने ये उल्टा हिस्सा इस बकरम के ऊपर रखा कि सीधा सीधे से सीधा। ये अब मैं आपको मिला बता रही हूँ, मैंने कर लिया है। ये देखिए मैं सीधा कर रही हूँ। देखिए टिकोजी का ये कवर एक बन गया, दूसरा मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं ये किनारे मैंने अपनी मार रही हूँ सिलाई, किनारे ना बुरे लगेंगे। ये देखिए मैं इसमें साइडों से लेस लगा रही हूँ। लेस लगा लें, अगर आपको क्रोशिया आती है तो क्रोशिया से बीटिंग कर लें और कुछ भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, ज़रा ये कर लो। वो बनाए थे गोल वाले टिफिन से, टिफिन की सहायता से वो हम माइंड माइंड सीधे उल्टे से उल्टा लगा लेना आप। और पलट के लगाने वाला बनाना हो तो थोड़ी सी सिलाई छोड़ देना, इससे क्या पलट दो। मैंने तो फिलहाल सीधे से सीधा लगाया है। मैंने सिलाई पूरी मार दी। देखिए मैं 3 साइड से सिलाई मार लूंगी।
लिए। देखिए तीन मैंने तीन साइड से सिलाई मार, अब इसको हम सीधा करेंगे। मैंने सीधा कर लिया है, अब मैं सीधा करने के बाद ये एक साइड से जो खुला है उससे सीधा करा है मैंने, अब मैं इसको इस तरह से करूँगी। ये देखिए लेस लगा रही है मैं, एक और मैं ये खुली होने वाली हो रही है। ये सामने पूरी सिलाई मार के देखिए टीको जी का, मैंने दोनों पार्ट उल्टे से उल्टे रख के जोड़ लिया है। ये देखिए ये छः मैंने जो बनाए गिलास के ऊपर के, जो मैंने आपको बताए थे कि आप छः भी बना सकते हो और चार भी बना सकते हो और आठ भी, जितने बनाना उसके डबल पार्ट्स काट लेना आप, जितने भी बनाओगे आप जितने गिलास के बनाना हो ना उतने आप उसके डबल पार्ट। देखिए मैंने दूसरी साइड भी यही सेम कपड़ा लगाया है और ऐसी मैंने ट्रे कवर में भी देखिए सेम कपड़ा लगाया है, मतलब जो भी आप बनाओ उसका अंदर का भी। ये देखिए ये टिकोजी है जो कि केतली पे ढकी जाती है इस तरह से, इसमें मैंने बकरम इसलिए डाला है कि खड़ी रहे, इस तरह से खड़ी रहे, नहीं तो ये अगर बकरम नहीं डालती ना तो ये ट्रे में मतलब केतली में उड़ाने के बाद ऐसे से हो जाती मुलायम होने की। देखो ये सब मेरा पूरा टिकोजी सेट तैयार हो गया है, इसमें देखिए केतली है ये और ये मेरे जो हैं ये गिलास हैं, इसमें आप वाटर जूस जो कुछ भी आपको सर्व करना है गैम्बलर को, ये वाला सेट है मेरा फोर ग्लास का सेट है, इसलिए जो है मैंने फोर ही ग्लास लगाए और इस तरह से हमको जो है एक गैम्बलर के आगे सर्व करना चाहिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और यदि आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें स्टिकर भी लगा सकते हैं, अगर प्लेन कपड़ा हो प्रिंटेड हो तो स्टीकर, नो कढ़ाई नो पेंटिंग कोई चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने प्रिंटेड लिया है। ये देखिए मैंने प्रिंटेड लिया है, इसलिए जो है कोई भी ना तो स्टीकर लगाना है ना कोई पेंटिंग करनी है ना कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है, यही ट्रे कवर का हाल है और यही इसका टिकोजी का, हमको कुछ नहीं करना। यदि प्लेन है तो हम उसमें कोल्डिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे कि मैंने प्लो कवर में आपको बताई थी धारी मतलब धारियाँ या कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगे क्या कहते हैं, और एग्जामलर को ऐसे आप सर्व करेंगे तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिलेंगे। और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दिवाली पर मुझे आपके कम से कम 500 तक चाहिए, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। Thank you.